नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा का जो सेक्शन चल रहा था इतिहास का, उसी क्रम में ये धार्मिक आंदोलन का दूसरा वीडियो है। एक वीडियो आपको इतिहास की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। दोस्तों, धार्मिक आंदोलन के इसमें हम लोगों ने 57 लगभग प्रश्न कर लिए थे पहले वीडियो में। अब आज शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 58 से। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? उपनिषदवेत्ता, आजीवक, महावीर या बुद्ध के द्वारा, बताइए। दोस्तों, ये की गई थी बुद्ध के द्वारा। अंगों में जैन ग्रंथों का संकलन निम्न में से किस संगीत के अंतर्गत आता है? जैन ग्रंथों का संकलन पाटलिपुत्र, बल्लवी, मथुरा या वैशाली, बताइए। दोस्तों, ये आता है पाटलिपुत्र के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को क्रम में लिखिए, यानी कि महावीर, पार्श्वनाथ, बुद्ध और भद्रबाहु को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो विकल्प सही होगा, विकल्प ए सही होगा, पार्श्वनाथ, फिर महावीर और फिर बुद्ध और फिर भद्रबाहु। अगला प्रश्न, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? हाथी गुंफा लेख, जेवरा लेख, प्रयाग प्रशस्त लेख या गंगाधर, बताइए। दोस्तों, ये मिला है हाथी गुंफा के अभिलेख में। प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख जो माना जाता है जैन मूर्ति पूजा का, वो हाथी गुंफा लेख है। आगे बढ़ते हैं। शिव के पंच रूपों में कौन नहीं है? ईशान, कामदेव, घोर, गणेश या कार्तिकेय, बताइए। दोस्तों, शिव के जो काम रूपों शिव के पंच रूपों में जो हैं वो कामदेव नहीं है। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई? बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कश्मीर, पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगृह। तो दोस्तों, जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पंचरात्र व्यूह के चार देवता कौन है? अनिरुद्ध, लक्ष्मी, प्रदुम्न, शाम्ब, शंकरसण, वासुदेव। कूट जो है दिए हुए हैं, तो इसमें जो कूट सही होगा वो पहला सही होगा, यानी कि अनिरुद्ध, प्रदुम्न, शंकरसण और वासुदेव, ये पांच रात्र व्यूह के चार देवता हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नांकित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? अभिधम्म पिटक, दीघ निकाय, विनय पिटक या विभाषा शास्त्र। दोस्तों, विनय पिटक में जो है संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अरिष्टनेम या महावीर। तो दोस्तों, जैन विश्वास के अनुसार 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। तो विकल्प बी सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कर्मवाद में विश्वास रखता है, या कर्मवाद में विश्वास नहीं करता, या कर्मवाद के संबंध में मौन है, या कर्मवाद की भर्त्सना करता है। दोस्तों, यह कर्मवाद में विश्वास करता है जैन धर्म। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न, ऋजुपालिका नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, पुनपुन नदी के तट पर या कोसी नदी के तट पर, बताइए। दोस्तों, ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन का आगम ग्रंथ कहाँ संकलित हुआ? वैशाली, पाटलिपुत्र, वल्लभी या लकुलीश, बताइए। दोस्तों, जैन का जो आगम ग्रंथ है ये संकलित हुआ था वल्लभी में। पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बसव, गोरखनाथ, कुशिक या लकुलीश, बताइए। दोस्तों, पशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं लकुलीश। निम्नांकित में से किस संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है? कौल, पाशुपत, शैव सिद्धांत या त्रिक। दोस्तों, कौल जो है संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है। भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? 8, 9, 10 या 11। दोस्तों, भागवत धर्म में जो है 9 प्रकार की भक्ति का
उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का लक्षण सपरफण है? आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ या महावीर? बताइए। तो दोस्तों पार्श्वनाथ जो है इनका लक्षण सपरफण है। ठीक है, जैन धर्म में समर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है जब कर्म जीव की ओर प्रवाहित होने लगता है, जब कर्म जीव को बांध लेता है, जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है, जब पहले से विद्यमान कर्म का क्षय कर दिया जाता है। बताइए दोस्तों, जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है उस अवस्था को क्या बोलते हैं? समर। विष्णु का प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? मल्हार, मथुरा, नानाघाट या विदिशा? बताइए। दोस्तों ये मिली है, जो प्राचीनतम प्रतिमा मिली है वो मथुरा से मिली है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री आलवार संत है? आंडाल, मधुर कवि, पेरुमाल या तिरुपान? दोस्तों ये है आंडाल। निम्नलिखित में से शैव संत कौन है? भूतयोगी, महायोगी, परकाल या सुंदरर? बताइए। दोस्तों शैव संत की अगर बात करें तो जो सुंदरर हैं वो शैव संत हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? हीनयान बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सांख्य या वैशेषिक? दोस्तों जैन धर्म का जो है अनेकांतवाद लक्षण है। निम्नलिखित में से विज्ञानवाद का विख्याता कौन है? आर्यवेद, चंद्रकीत, नागार्जुन या वसुबंध? बताइए। दोस्तों जो वसुबंध हैं ये विज्ञानवाद के व्याख्याता माने जाते हैं। बुद्ध को ईश्वर रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय है स्थवीर, महासांघिक, हीनयान या महायान? बताइए। दोस्तों बुद्ध को ईश्वर के रूप में जो पूजने वाला संप्रदाय है वो है महायान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म निम्न में से किस में विश्वास नहीं करता? शादवाद, सप्तभंगी न्यायवाद या व्यूहवाद? बताइए। दोस्तों जैन धर्म जो है व्यूहवाद में विश्वास नहीं रखता है। जिस यवन राजदूत ने बेसनगर में गरुड़ध्वज की स्थापना की उसका नाम क्या है? मिनांडर, हेलियोक्लीज, हेलियोडोरस, डायोटोटस? बताइए। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों हेलियोडोरस ने जो है गरुड़ध्वज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत था? अपर कुलशेखर, शबंदर या वेंकटनाथ? दोस्तों जो कुलशेखर थे वो अलवार संत थे। आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है? अजीव, आश्रव जीव या निर्जरा? क्या कहा जाता है बताइए। तो दोस्तों इसको बोला जाता है निर्जरा। भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे मैत्रेय, मंजूश्री, कनक मुनि या शाक्य मुनि? दोस्तों ये थे मैत्रेय। निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन है? असंग, दिनंगनाग, नागार्जुन या वसुबंध? शून्यवाद के व्याख्याकार, दोस्तों शून्यवाद के जो व्याख्याकार माने जाते हैं वो नागार्जुन माने जाते हैं। अगला प्रश्न। कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? मत्स्य, कूर्म, नरसिंह या वराह? बताइए। दोस्तों वराह अवतार को जो है समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे? वसव, कल्लट, वसुगुप्त या वीरभद्र? दोस्तों जो बसव थे ये शैव धर्म के व्याख्याता थे। अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान किसके लिए है? गया, प्रयाग, श्रीनगर या वाराणसी? बताइए। दोस्तों अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान जो है ये श्रीनगर के लिए है। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? इसको भी ध्यान में रखिएगा। दोस्तों श्रवण बेलगोला जो है ये स्थित है कर्नाटक में, तो विकल्प सी सही होगा। जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? जीव, पुद्गल, आकाश या काल? बताइए। दोस्तों जो काल है एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय
द्रव्य अपवाद है। अभिधम्म ग्रंथ कथा वस्तु की रचना किसने की? महाकश्यप, महिंद, मिलिंद या मोगिलपुत्र तिस, किसने की थी बताइए। दोस्तों अभिधम्म ग्रंथ की जो कथा वस्तु थी उसकी रचना की थी मोगिल पुस्त तिस ने। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? अश्वघोष, बसुमित्र, उपगुप्त या भद्रबाहु। दोस्तों ये था भद्रबाहु। बुद्ध कालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत, पाली, हिंदी, आर्मेइक, किस भाषा में लिखे गए बताइए। दोस्तों ये लिखे गए हैं पाली भाषा में। दोस्तों अगले प्रश्न में जो है सुमेलित करना है, सूची दी हुई है और सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो दोस्तों आचारंग सूत्र जो था वो जैन से संबंधित था और अंगंतुर जो निकाय था वो था, एक मिनट, हाँ दोस्तों आचारंग जो सूत्र था वो जैन से संबंधित था और जो अंगंतुर निकाय था वो बौद्ध से संबंधित था और पांच रात्र संहिता जो थी वो भागवत से संबंधित थी और वाजनेयी संहिता थी वो वैदिक से संबंधित थी। ठीक है, तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, दो जीन तीर्थंकरों के सिवाय परंपरा में उल्लेखित से सभी तीर्थंकर पौराणिक हैं, ये दो अपवाद हैं, शांतिनाथ और वर्धमान, पार्श्वनाथ और वर्धमान, शांतिनाथ और आदिनाथ, पार्श्वनाथ और आदिनाथ बताइए। दोस्तों जो पार्श्वनाथ और वर्धमान है ये दो जैन तीर्थंकर के सिवाय परंपरा में उल्लेखित से सभी तीर्थंकर पौराणिक हैं। अगला प्रश्न, इसमें सूची वन दी हुई, सूची टू दी हुई है। ठीक है, इसका विकल्प सी सही होगा। तो देख लेते हैं, आजीवक है, आजीवक जो संबंधित है वो धार्मिक लोगों का संप्रदाय है। अर्हत जो है ये योग्य अथवा विजेता इसका मतलब होता है और निर्ग्रंथ जो है वो बंधनों से मुक्त इसका अर्थ है और तीर्थंकर का अर्थ है पार पथ निर्माता। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित वैष्णव अवधारणाओं पर विचार करना है और इनके सही कालानुक्रम को जो है देखना है, चतुर्व्यूह, पंचवृषवीर, दशावतार, और इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। दोस्तों इनका जो सही क्रम है वो है डी, यानी कि पंचवृषवीर पहले है, फिर चतुर्व्यूह है, फिर दशावतार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बौद्ध संघ के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या आगुंतर निकाय बताइए। दोस्तों ये मिलता है विनय पिटक में। वज्र छेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? आयुर्वेद, कीमिया, महायान या पाशुपत बताइए। ये संबंधित है दोस्तों महायान से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, दोस्तों निम्नलिखित में से भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी कौन है? डेमेट्रियस, एंटियोलाकिडस, हेलियोडोरस या मेनांडर बताइए। दोस्तों जो हेलियोडोरस है ये भागवत धर्म के सबसे पहले ज्ञात और यूनानी अनुगामी थे। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकर के जीवन चरित है उसका नाम क्या है? भगवती सूत्र, आदि पुराण, मिलिंद पाहो या उवासक दशाओ बताइए। दोस्तों भगवती सूत्र, उसका नाम है भगवती सूत्र। आगे बढ़ेंगे, वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया, स्तरवादियों में, महासंख्यों में, वज्रयान में या काल चक्रयान में, आपके ऑप्शन जो है आपकी स्क्रीन पर है बताइए। दोस्तों इसमें जो है विकल्प डी सही होता है, यानी कि स्तरवादियों में और महासंघिकों में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था। आगे बढ़ते हैं, भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखी प्रमाण मिलता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राजा सर्वतात के घोषिंड प्रस्तर अभिलेख से, हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख से, शातवाहन रानी नागानिका के नागाघाट गुफा अभिलेख से या चंद्र के मेहरोली स्तंभ अभिलेख से बताइए। भागवत धर्म का सबसे पहला प्रमाण कौन सा है? दोस्तों ये है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से मिलता है। आगे बढ़ते हैं, भागवत धर्म का उदय
सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने के साक्ष्य मिलते हैं। जस्टिन के विवरण में, एरियन के विवरण में, या मेगास्थनीज के विवरण में, या स्ट्रोबो के विवरण में, दोस्तों ये मिलते हैं मेगास्थनीज के विवरण में। और दोस्तों मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, वो बहुत बार पूछी जाती है इंडिका किसने लिखी है, तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी जैन सभा कहाँ हुई, बल्लवी में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों ये हुई थी बल्लभी में। बौद्ध के त्रिरत्नों में कौन शामिल है, संघ, प्रज्ञा, शील, या समाधि, दोस्तों बौद्ध के जो त्रिरत्नों में शामिल हैं वो संघ शामिल है। प्राचीन शैव संप्रदाय कौन है, पाशुपत, वैष्णव, निर्ग्रंथ, या महायान, दोस्तों ये है पाशुपत। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं, पाली, प्राकृत, मगध, या अवधी, दोस्तों ये लिखे गए हैं मगधी भाषा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, जैन धर्म के बारे में कौन एक सही है, महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की, महावीर ने संबंधित महायान हीनयान दो संप्रदाय थे, उन्होंने संयम पर कोई जोर नहीं दिया, वे ईश्वर की खुलेआम पूजा करते थे, बताइए कौन सा कथन सही। तो दोस्तों महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, ये विकल्प सही है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है, अहिंसा, स्त्रियों का संघ में प्रवेश, वैश्य वर्ग का समर्थन, या कठोर तप, बताइए दोस्तों कठोर तप, इसमें समानता नहीं है। मत मयूर कौन थे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भागवत धर्म के अनुयायी, शैव अनुयायी, जैन अनुयायी, या कठोर, बताइए मत मयूर कौन थे, दोस्तों जो मत मयूर थे वो थे शैव अनुयायी। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है, सर्वास्तिक, सैद्धांतिक, वैभाषिक, या शून्यवासी, दोस्तों बौद्ध धर्म की जो है सर्वास्तिक शाखा में अनात्म सिद्धांत और पुद्गल की मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन विष्णुवीर नहीं है, अनिरुद्ध, शाम्ब, प्रद्युम्न, शंकरसण, बताइए दोस्तों जो साम है वो विष्णुवीर नहीं है। जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है, आकाश, काल, पुद्गल, या अविद्या, बताइए दोस्तों अविद्या जो है ये सहयोगी नहीं है। अगला प्रश्न, शैव धर्म के इतिहास में कायावरोहण का क्या महत्व है, यह पाशुपत संप्रदाय के एक प्रमुख लक्षण पशुपाश विमोक्षण से भिन्न है, यह लकुलीश का जन्मस्थान है, या काल या कापालिकों के व्रतों में से एक व्रत था, या कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों के लिए निर्धारित एक धार्मिक कृत्य था, बताइए दोस्तों यह लकुलीश का जन्मस्थान था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्षत्रिय जन योद्धे केवल निम्नांकित देवता के उपासक थे, इंद्र, वासुदेव, पशुपति, या कार्तिकेय, बताइए दोस्तों इसमें से जो कार्तिकेय थे वही जो है क्षत्रियजन योद्धे कार्तिकेय देवता के उपासक थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए विख्यात था, गुज्जर, प्रतिहार, चौलुक्य, वैश्य, काकतीय, बताइए दोस्तों जो चौलुक्य थे, ठीक है, इनका जो राज्य जैन धर्म को मानने वाला था, जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए विख्यात था, तो इसका विकल्प सही होगा बी। दोस्तों जल्द ही मिलेंगे एक अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो धार्मिक आंदोलन के पार्ट 3 में आप लोगों को कराए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू।